हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक वाटर कलर पेंटिंग करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके वाटर कलर जर्नी में वीडियो बहुत काम आएगा। तो गाइस, मैंने आउटलाइंस को बहुत ही लाइटली बना लिया है और वाटर कलर में आउटलाइंस को लाइटली बनाना पड़ता है क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो चलिए कलरिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्काई के लिए एक कलर बना रहा हूँ। इसमें मैं अल्टरमेरियन ब्लू और थोड़ा सा सिरुलियन ब्लू मिक्स कर रहा हूँ। तो इस कलर को अप्लाई करने से पहले मैं स्काई के पोर्शन को पानी से थोड़ा भिगो ले रहा हूँ और मैं फर्स्ट लेयर को वेट इन वेट में दूंगा, तो भिगो लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी मैं इस कलर को अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बुशेस है और बुशेस को मैं वेट इन वेट बनाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ थोड़ा अलग टाइप का कलर यूज़ करने की, बुशेस को और अट्रैक्टिव बनाने की। तो यहाँ पे मैं इंडियन येलो अप्लाई कर रहा हूँ वेट इन वेट। और उसके साथ मैं थोड़ा लाइट रेड यूज़ कर रहा हूँ। और थोड़ा पर्पल। ये जो मैं फास्ट वॉश दे रहा हूँ, ये मैं वेट इन वेट दे रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है वेट इन वेट में फास्ट वॉश बहुत ही अच्छा बनता है। तो अभी मैं ग्रीन कलर मिक्स कर रहा हूँ और इस तरफ के बुशेज में मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ। और इस तरफ थोड़ा सा लाइट ग्रीन। ऐसे ही मैं थोड़े बहुत अलग अलग कलर ट्राई कर रहा हूँ। तो गाइस, हमारा बुश का पोर्शन बन चुका है और अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, फिर काम करेंगे। तो गाइस, हमारा लेयर सूख चुका है और अभी हम फिर से इस पे काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं येलो कलर के साथ थोड़ा बर्न शाइनर मिला रहा हूँ। इसे मैं घर की दीवारों पे अप्लाई कर रहा हूँ। वेट इन वेट में मैं थोड़े बहुत शैडो सेट कर रहा हूँ। वेट इन वेट में काम बहुत ही अच्छा होता है, आपको बस समझ होनी चाहिए कहाँ कौन सा कलर कितने परिमाण में देना है, तो आपका पेंटिंग ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा।
तो अभी मैं ग्राउंड का वॉच दूंगा और इसे मैं ये लॉकर से दे रहा हूँ। ग्राउंड का पोर्शन यह बहुत ही बड़ा है। तो थोड़ा बांट सहना। और थोड़े बहुत शैडोज के लिए थोड़ा बहुत वायलेट यूज कर रहा हूँ। यह भी स्मच हो जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा। तो गाइस इस लेयर को थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे, फिर काम करेंगे इसके ऊपर। तो ये सूख चुका है, अब इसके ऊपर काम करेंगे फिर से। तो अभी पेंटिंग के लेफ्ट साइड से मैं लाइट का सोर्स मान रहा हूँ और उस हिसाब से मैं शैडोज लगा रहा हूँ। तो ये राइट वाला वॉल सनलाइट के ऑपोजिट है, इसे मैं ऑफ कर दे रहा हूँ थोड़े डार्क कलर से। और डार्क का मतलब मैं ब्लैक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ब्लू और थोड़ा ब्राउन का मिक्सचर यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पहले वीडियोस में भी मैंने कहा है कि डार्क का मतलब ब्लैक नहीं, आप ब्लू यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ थोड़ा ब्राउन यूज़ करके उसे न्यूट्रल कर सकते हैं। तो वेट इन वेट में ही मैं सारे डिटेल्स दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने खिड़की बना दी और ये छत का जो शैडो है वो बना दिया। तो अभी दूसरे घरों में भी मैं ऐसे ही शैडोज और डिटेल्स सेट करूँगा। तो अभी मैं घर के छत में कलर कर रहा हूँ। किसी किसी घर के छत में मैं ब्राउनिश रेड कर रहा हूँ और सारे घर के छत में एक कलर का नहीं करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर दूंगा इसमें। तो इनमें मैंने रेड कर दिया। और इस छत को मैं अलग तरीके से बना रहा हूँ। तो छत पे थोड़ी बहुत टाइल्स बना दिया। अभी थोड़े बहुत शैडोज बना रहा हूँ ज़मीन में, बहुत ही लाइटली क्योंकि वो दूर में है।
थोड़े बहुत डिटेल्स इधर उधर। तो गाइस अभी मैं ब्राउन और ब्लू का मिक्सचर बना रहा हूँ और इससे मैं ये पेड़ बना रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा वाइट छोड़ रहा हूँ मैं सनलाइट को दिखाने के लिए। तो सारे पेड़ मैंने बना दिए और अभी इनके शैडोज बना रहा हूँ मैं जमीन में ब्लूइश ब्राउन से। जमीन में शैडोज बनाने से पेंटिंग उभर के आता है, एक 3D फॉर्म आ जाता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और पेंटिंग में हमारी शैडोज की तो भूमिका बहुत ही है, उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी मैं एक रेडिश ब्राउन बना रहा हूँ हमारे जो सामने वाला जो पेड़ है उसे बनाने के लिए। और उसे मैं थोड़ा बहुत डार्क बनाऊंगा क्योंकि सनलाइट के बिल्कुल ऑपोजिट है। इधर उधर थोड़ी बहुत डालियाँ निकाल रहा हूँ और मैं ब्लू मिला रहा हूँ उस ब्राउनिश कलर के साथ। और अभी मैं इस पेड़ का शैडो बना रहा हूँ जमीन में। जमीन में थोड़े बहुत लाइंस जिससे और भी अच्छे लगेंगे। तो इस पेड़ के पत्ते में ब्लू स्टोन में बनाऊंगा अल्टरमरीन ब्लू के साथ थोड़ा ब्राउन मिला के। तो करीब करीब मैंने पत्ते बना दिए हैं। और अभी मैं थोड़े बहुत फाइनल टचेस दे रहा हूँ जहाँ जहाँ चाहिए।
तो गाइस फाइनली हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पे एक सिग्नेचर कर दे रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरे चैनल पर नए हो और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो आगे भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।